सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल से एक नया यूट्यूब चैनल आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, एक मोबाइल से एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि दोस्तों, अगर आपका पास पुराना ईमेल आईडी है तो पुराना ईमेल आईडी से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं करना है। दोस्तों, एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए एक नया जीमेल आईडी अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद दोस्तों, यह नया ईमेल आईडी से एक चैनल क्रिएट करना होता है। और दोस्तों, अगर आप पुराना वीडियो देखकर एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों, होता क्या है कि देखिए दोस्तों, YouTube पर डेली अपडेट आ रहा है और पुराना जो प्रोसेस है ये चेंज हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पुराना वीडियो देखकर एक नया YouTube चैनल ओपन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ताकि दोस्तों, होता क्या है कि जो नया प्रोसेस है, नया प्रोसेस एक तरह आपका सामने शो होता है और जो पुराना वीडियो में जिस तरह बताया गया है ये एक तरह शो होता है। इसलिए दोस्तों, दोनों चीज़ मैच नहीं होता है और आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल से आप एक नया यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बनाने से आपका काम नहीं चलता है। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल पर बहुत ऐसे छोटे छोटे सेटिंग्स होता है। अगर दोस्तों, ये सब सेटिंग आप नहीं करते हो और वीडियो अपलोड करते हो तो आपका चैनल ग्रो भी नहीं होता है और आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, एक चैनल क्रिएट करने से पहले दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि चैनल की जो सेटिंग्स होता है ये कैसे आपको सेट करना होता है। तो दोस्तों, एक चैनल बनाने के साथ ही साथ सेटिंग कैसे करना है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों, इस तरह आप कंप्लीट एक नया चैनल ओपन करते हो तो उसके बाद दोस्तों, इस चैनल में और सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो बनाना है और अपलोड करना है। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है 2022 में एक नया चैनल मोबाइल से कैसे आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल नया तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं एक नया यूट्यूबर, मैं बिल्कुल नया यूट्यूबर नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी चैनल चल रहा है और उस चैनल से मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूँ, और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है ये भी आप कह सकते हो, लेकिन दोस्तों, मेरा पुराना चैनल है जिस चैनल से मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और आपको मैं क्या सिखाऊंगा, इसलिए दोस्तों, मैं ये बात क्लियर करना पड़ता है। सो दोस्तों, चलिए एक नया यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करना है, चलिए मोबाइल की स्क्रीन। सो दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल पर जीमेल जो ऐप्स है सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीमेल है, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है कि सिंपली लेफ्ट साइड पर देखिए 3 लाइन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देखिए सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड अकाउंट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, सिंपली गूगल वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए क्रिएट अकाउंट, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, फॉर माई सेल्फ ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। दोस्तों, ये दोनों डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो सबसे पहले आपको मंथ सिलेक्ट करना होता है, और इसके बाद दोस्तों डे सिलेक्ट करना होता है, इसके बाद दोस्तों ईयर सिलेक्ट करना होता है, और इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर जेंडर है तो सिंपली जेंडर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फीमेल जो भी है सिलेक्ट करना है, और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस आपको क्रिएट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल के नाम से मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, shahid@blog। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल का जो नाम है मैं वही नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2-3 नंबर आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको सेट करना है, जो पासवर्ड आपका याद में रहता है इसी के हिसाब से यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने शो होता है, तो सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है यस आई एम इन, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल एड्रेस है ये बिल्कुल बन चुका है, तो सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी एंड टर्म्स, तो यहाँ पर सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंपली आई एग्री, सिंपली इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, और ऊपर में जो ईमेल आईडी है ये मेरा पुराना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि सिंपली यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए YouTube का जो सेटिंग यानी कि जो लोगो होता है, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी पुराना जो है यहाँ पर शो हो रहा है, तो सिंपली राइट साइड पर एक आइकॉन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर जितना पुराना या नया जितना ईमेल आईडी है यहाँ पर शो होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी की पूरी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो जो ईमेल आईडी आपने नया क्रिएट किया है सिंपली वही सिलेक्ट करना है। तो सबसे नीचे मेरा नया ईमेल आईडी है, तो सिंपली मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह सर्चिंग होता है, तो यहाँ पर वही ईमेल आईडी यहाँ पर यूट्यूब पर सेट होता है। जब तक आप नया ईमेल आईडी यहाँ पर सेट नहीं करते हैं, तब तक इस ईमेल आईडी के थ्रू आप चैनल ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर देखिए जो लोगो है सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यूआर चैनल, तो यूआर चैनल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह सर्चिंग होता है। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे पहले आपका चैनल पर जो लोगो आप लगाना चाहते हो, जो फोटो आप पिक्चर लगाना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर देखिए आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों गैलरी पर जहाँ पर रखा है वही यहाँ पर चूज़ करना है। तो चलिए मैं एक फोटो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फोटो जो है अपलोड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेम है और यहाँ पर पेंसिल आइकॉन है, सिंपली पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका चैनल का नाम आप रखना चाहते हो तो यहीं से आप रख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ शाहिद, इसके बाद भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाहिद भाई ब्लॉग, इसके बाद मैंने लिख दिया है ये मेरा चैनल का नाम है। इसके बाद दोस्तों सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए क्रिएट चैनल, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया है, इसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत सर्चिंग लेता है, तो यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे देखिए क्रिएट यानी कि क्रिएट ए वीडियो, अभी आपका चैनल पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी वीडियो अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखिए पेंसिल आइकॉन वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल सेटिंग्स है, तो कुछ इस तरह सर्चिंग होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लोगो जो है मैंने जो फोटो अपलोड किया है इसका ठीक पीछे यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बैनर लगाना है। तो बैनर की बात बाद में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सिंपली इस वाले पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पुराना चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस तरह दोस्तों यहाँ पर लिखना है इस चैनल के बारे में और आपके बारे में यहाँ पर कंप्लीट लिखना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए डिस्क्रिप्शन मान के चलिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि चैनल के बारे में लिखना है कि किस टॉपिक पर यह चैनल आप बना रहे हो, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके बारे में कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन पर। जैसे कि अगर कोई आपका डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहता है तो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के उनको पता लग सकता है कि आप क्या देने वाला है इस चैनल पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चैनल बैनर है, तो सिंपली यहाँ पर देखिए कैमरा आइकन दिया गया है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने से पहले ये बैनर आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना है। तो चलिए एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको सर्च बार में टाइप करना है पिक्चर लैब, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ पिक्चर लैब। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिक्चर लैब, जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, और ये जो पिक्चर लैब है यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं, ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है चैनल बैनर और यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको आना है होम पेज पर और यहाँ पर सिंपली पिक्चर लैब वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इमेज साइज, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टम, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूट्यूब चैनल बैनर, तो ये वाली आपको चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके बैनर पर क्या रखना चाहते हो आप रख सकते हो, जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्लस आइकॉन, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टेक्स्ट, तो सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू मैंने लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जैसे कि मेरा चैनल जो नेम है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली ये कैंसिल करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाहिद भाई ब्लॉग, और इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर देखिए ओके ऑप्शन है, तो सिंपली ओके पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं ये मतलब डेमो के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छा से बनाइए उसके बाद आपका चैनल पर आप सेटिंग कीजिए। तो मान के चलिए दोस्तों मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, चलिए मैं ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए सेव एस इमेज, तो इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैनल बैनर आपको सेट करना है, तो मैंने सेव कर लिया है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर एक कैमरा आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस कैमरा आइकन के ऊपर क्लिक करना है ये बैनर लगाने के लिए। इसके बाद दोस्तों जहाँ पर आपका गैलरी पर ये बैनर रखा है तो सिंपली चूज फ्रॉम यूअर फोटो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको सेट कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। दोस्तों जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये अपलोड होता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट हो चुका है। तो यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह नाम दिखाया जा रहा है क्योंकि यह आपको बराबर सेट करना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया कि कहाँ से ये बनाना है और कैसे सेट करना है। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से बनाना है, डिज़ाइन करना है, उसके बाद सेट करना है। तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हो चुका है, एक चैनल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब बारी आती है कि इस चैनल की सेटिंग। दोस्तों चैनल की एक छोटी छोटी सेटिंग होता है, ये सेटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सेटिंग के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आ जाना है होम पेज पर और उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों youtube.com लिखना है, अगर यहाँ पर यूट्यूब लगा होता है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पर यूट्यूब ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर देखिए अभी भी सर्चिंग हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोगो है, पहले से जो लॉगिन है यहाँ पर लोगो शो होता है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि सिंपली इस वाले लोगो पर क्लिक करना है और जो नया चैनल है यहाँ से आप लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नया चैनल है यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट जो है यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट है, सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सेम कंप्यूटर की तरह ओपन होता है, आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉर्नर पर एक ऑप्शन देखिए, जो यूट्यूब लोगो, जो यूट्यूब पर आपने फोटो लगाया है सिंपली यहाँ पर शो होता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है यूट्यूब स्टूडियो, तो यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर सिंपली उंगली से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, तो सिंपली इस पर एक बार टच करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए YouTube दो लोगों शो हो रहा है, तो राइट साइड पर जो लोगो है सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है क्योंकि ये नया चैनल आपने ओपन करने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन शो हो रहा है, तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह चैनल डैशबोर्ड ओपन होता है क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है, तो कुछ इस तरह चैनल ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि चैनल की जो बैनर है दोस्तों यहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से लगाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, ये जो आइकन है इसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन, और नीचे यहाँ पर देखिए ये जो है कस्टमाइजेशन, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों ये चैनल की बैनर लगाने के लिए और चैनल की जो लोगो होता है, जो फोटो होता है, ये लगाने के लिए दोस्तों आप यहीं से आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ज़रा जूम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्रांडिंग, तो सिंपली ब्रांडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों ब्रांडिंग वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो लगाया है पुराना जो है, तो सिंपली यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रिमूव और चेंज, तो चलिए मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों चेंज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ पर आपका ये बैनर रखा है यहीं से आप सेट कर लीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ वही। तो इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरह यहाँ पर शो होता है, तो नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर देखिए डाउन ऑप्शन है, तो डाउन पर क्लिक करना है। दोस्तों डाउन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए और भी एक ऑप्शन है जैसे कि पब्लिश, तो पब्लिश पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर ये बैनर जो है सेट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए सेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, मैं ज़रा जूम करता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, ये कर्सर के नीचे देखिए एक सेटिंग आइकन है, तो सिंपली सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है।
तो चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए चैनल का जो सेटिंग होता है यही से आपको सेटिंग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए जनरल, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो करेंसी है यहाँ पर देखिए USD US डॉलर तो ऐसे ही रहना देना है। नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है चैनल, तो सिंपली चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि माउस कभी कभी क्या होता है कि क्लिक नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है बेसिक के ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस बॉक्स पर क्लिक करके आप अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, यानी कि इंडिया सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा लिस्ट आ जाता है, पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे देखिए यहाँ पर क्यूआर, तो क्यूआर पर क्या लिखना है दोस्तों आप गौर से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप कीवर्ड नहीं डालते हो तो होता क्या है कि आपका चैनल ग्रो नहीं होता है, आपका चैनल लोगों के सामने शो नहीं होता है, आपका चैनल जब आप YouTube पर सर्च करते हो तो आपका सामने रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड आपको सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड आपको सेट कर लेना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 बार आपको टाइप करना है आपका चैनल नेम। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 बार यहाँ पर टाइप किया है मेरा चैनल की जो नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 बार टाइप किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्यूआर जो होता है, तो क्यूआर इस तरह आपको टाइप करना है। सबसे पहले आपका चैनल नाम यहाँ पर 3 बार टाइप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह टाइप करना है। सबसे पहले जो चैनल नेम यहाँ पर फिल करते हैं ये ओनली कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। इसके बाद दोस्तों एक कैपिटल लेटर्स, बाकी स्मॉल लेटर्स। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर देखिए सारे स्मॉल लेटर्स से मैंने लिखा है। तो दोस्तों इस तरह लिखना है। इसके बाद दोस्तों और भी कीवर्ड यहाँ पर डालना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों उदाहरण मैं लाइक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर आप यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक कीवर्ड यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यू यूट्यूब चैनल ग्रो, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एक स्टार आइकॉन है तो ये आप कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद ये जो बॉक्स है बॉक्स के बाहर कहीं पर आप एक बार उंगली से टच करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टच मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए 4 टाइटल आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह, उसके बाद दोस्तों देखिए हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो टैग लोग सर्च करते हैं इसी के हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर ये चलिए कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना हिसाब से कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक डेमो के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग, तो सिंपली एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों एडवांस सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 ऑप्शन हैं, तो यस सेट दिस चैनल एस मेड फॉर किड्स। दोस्तों अगर आप बच्चे के लिए वीडियो अपलोड करते हो तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर बीच में जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि आप बच्चों भी ये वीडियो देख सकता है और बड़ा लोग भी ये वीडियो आपके वीडियो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक कैप्शन, तो इस पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सब्सक्राइबर काउंट, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर जो टिक मार्क है ये आपको हटाना है। अगर दोस्तों ये टिक मार्क आप नहीं हटाते हो तो आपका होता है क्या है कि आपका जो नया चैनल है और आपका सब्सक्राइबर कितना है ये ऑडियंस देख सकता है। अगर दोस्तों ये टिक मार्क आप हटा देते हो तो आपका कितना सब्सक्राइबर है ये ऑडियंस को पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों ये नया चैनल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेव, तो सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों फिर से ये वाले सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो सेटिंग है सेटिंग पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल के बारे में मैंने सारा कुछ बताया है। इसके बाद और ऑप्शन है अपलोड डिफॉल्ट, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पर एड टाइटल द डिस्क्रिप्शन यूअर वीडियो, तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको लिखना है क्योंकि दोस्तों एक एक वीडियो में एक एक बार आपको टाइटल लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर
जो आप लिखेंगे, पहले मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन आपका यूट्यूब चैनल ओपन करके वहीं पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। जब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको होता क्या है कि यहाँ पर सेव होता है। यहाँ पर दोस्तों वही लिखना है कि डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक होता है आपका फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, यहाँ पर दोस्तों आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो उसको तो होता क्या है दोस्तों, बार बार आपको लिंक यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं होता, ही है परमानेंटली सेट होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर और कुछ नहीं लिखना है। दोस्तों यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी, तो सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तीन ऑप्शन मिलता है, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर अनलिस्टेड आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अनलिस्टेड सिलेक्ट करना है। उसके बाद होता क्या है कि जब आप वीडियो अपलोड कंप्लीट करते हो उसके बाद दोस्तों जाके आप पब्लिश पर क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि अगर आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो आपको वीडियो पब्लिश करने से पहले आपको पता चलता है। अगर दोस्तों कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आता है तो आप ये वीडियो अपलोड नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों यह आपको अनलिस्टेड रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखे टैग, तो सिंपली टैग पर क्लिक करना है। दोस्तों टैग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या टैग लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों ओनली 3 टैग यहां पर सेट करना है, जो कि आपका चैनल का नाम यहां पर 3 बार लिख के आप परमानेंटली सेव कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर दोस्तों ये तीनों चीज फिल करने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां पर, तो मैं डेमो के हिसाब से दिखा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए एडवांस सेटिंग, तो सिंपली एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए और भी सेटिंग है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो है लाइसेंस, यूट्यूब लाइसेंस, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और नीचे देखिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको कौन सा लाइसेंस सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों नीचे जो ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बात आती है यूट्यूब की सबसे बड़ी जो सेटिंग्स होता है, यह होता है कैटेगरी, तो सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप जिस कैटेगरी में आपका वीडियो अपलोड करना चाहते हो यही से आपको चूज करना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप म्यूजिक आपका चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो यहां पर म्यूजिक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों अगर आप गेमिंग से वीडियो अपलोड करना है तो गेमिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप कॉमेडी वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो यहां पर कॉमेडी वीडियो कॉमेडी आप सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो यहां पर देखिए पीपल एंड ब्लॉग वही सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप YouTube चैनल ओपन करते हो YouTube वीडियो अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सेटिंग होता है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, तो सिंपली यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों बॉक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो किस लैंग्वेज पर आप अपलोड करना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश या बंगाली, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पर देखिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर आप किस लैंग्वेज से आप मतलब लिखेंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश आपको चूज़ करना है। जैसे कि दोस्तों आप टाइटल इंग्लिश से आपको लिखना होता है और डिस्क्रिप्शन पर आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं और आपका रीजनल लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्शन सर्टिफिकेट, तो इस पर आपको कुछ चर्चा नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए और भी ऑप्शन है, जैसे कि नीचे यहाँ पर देखिए कमेंट्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए ऑल कमेंट्स, अलाउ ऑल कमेंट्स, तो सिंपली इस वाली ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए सेव ऑप्शन है, तो सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ डेमो के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि फिर से ये वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग है, सेटिंग वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए परमिशन और कम्युनिटी और एग्रीमेंट्स, तो ये तीनों चीज़ आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना सिंपली यहाँ पर चैनल और अपलोड डिफॉल्ट्स, ये दोनों चीज़ आपको सेटिंग करना है।
उसके बाद दोस्तों आपका जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद दोस्तों आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आपका चैनल पर आप वीडियो अपलोड करोगी तो दोस्तों ज़्यादा दिन आपको यूट्यूब पर काम करने की ज़रूरत नहीं है पहले चैनल रैंक करने के लिए, उसके बाद तो आपको लगातार काम करना होता है, लेकिन चैनल ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले आपका चैनल ग्रो होता है। सो दोस्तों आई होप यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।